सिटीज को हम एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे बताएंगे। सो गाइस हमने पैकिंग कर ली है और ये और एक ये बैग मेरे बैग और आप हमारी आउटफिट्स देख सकते हैं और हमने वो कल कपड़े पैक कर दिया है और चलो चलो। मेरे पास तीन कपड़े आ चुके हैं, एक मेरे पास पहले ही था, एक ना वो पहले नहीं हम जाए तो भूल रहा था, फिर ये नानी ने दिया। आज मैं गोल्डन टेम्पल से भी एक लूंगा। नानी तो कह रहे थे मैं एक और दिलाऊंगी इसको। सो गाइस हरी के गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और गूगल मैप ने हमें बहुत घुमाया, फिर हमने किसी अंकल से रास्ता पूछा और तब जाकर हमें सही रास्ता मिला। गाइस हम सरोवर के पास जा रहे हैं, मम्मा मेरे पास कपड़े हैं इसमें नहाना। सो गाइस पहले हम प्रसाद खाएंगे, फिर हम वहाँ पर स्नान करने स्नान ही मुँह पैर धोएंगे, स्नान करेंगे, हम स्नान करेंगे पहले। मम्मा दोनों हाथ जोड़ के प्रसाद लो। गाइस यहाँ पर अनियन के परांठे मिलते हैं, बहुत टेस्टी हैं, चलो खाते हैं। गाइस सब हमने लंगर किया और बहुत टेस्टी था, उसमें लाइक सब चीज़ें थी, लाइक ब्लैक चने थे, दाल थी, चावल थे, रोटी थी, अचार था और भी मतलब बहुत टेस्टी था। और बहुत टाइम हो गया हमको यहाँ पर, लगभग एक दो घंटे हो गए होंगे और अब हम बहुत पहले हम आपके पूछ लेंगे थोड़ा बीच से और फिर हम चलते हैं। गाइस एक बार फिर गूगल मैप ने हमें अमृतसर में घुमा दिया, होटल का रास्ता फाइंड करते हुए हमें 1.5 आवर्स लग गए। होटल का रूम ले लिया है हमने और ये गोल्डन टेम्पल के पास ही है और आप देख सकते हैं कैसा है।
वो देखो काउच पर क्या कर रहा है, ये टीवी, ये एसी, ये रियल की ड्राइंग है, पेंटिंग किया यहाँ पर भी रियल की, और ये आप देख है यहाँ पर जो है ये स्नैक्स है, ये 10 रुपीज के है ना ये सब चीजें, लाइक वो जो 10 रुपीज का है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो येलो लेज है वो 35 और ओरियो 40 रुपीज का है, कितने महंगे लगाते हैं। और यहाँ पर हमें फ्री बॉटल मिली, और ये हम आसानी से बना सकते हैं कॉफ़ी। यहाँ पर ये पाउडर वाला मिल्क है दो, और ये पता नहीं क्या है कुछ होकर, ये टी है, टी बैग, और ये है शुगर, ये शुगर है, और ये है दो नेस्कैफे की कॉफीज। तो गाइस अब हम गोल्डन टेम्पल की मार्केट पर में आ चुके हैं, और देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी दुकान है, और बहुत ज़्यादा बड़ी है ये, और पीछे भी आप देख सकते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है। अब हम आ चुके हैं यहाँ गोल्डन टेम्पल के बाहर, और यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का लाइटनिंग कितनी अच्छी है, और हम अभी अंदर जा रहे हैं, ज़्यादा रश हुआ तो हम बाहर से ही जो है। सो गाइस अब देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, और वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स भी हैं। सर्वरण पहिले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पाग नहीं क्यापा, हम देखा तह डूबिया ने। नमस्कार, और वो आप गोल्डन टेंपल देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है, जिन आप सवारी, और भी लोग हैं यहाँ पर, वो भी हैं सुख दियो सत्रन गोपाल मो बद कियो। गाइस हमने होटल में स्टे किया था रात भर, और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर हम जलियांवाला बाग जाएंगे। उसके बाद पापा कुछ कह रहे थे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, और हमारी आउटफिट्स आप देख सकते हैं, और चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सो गाइस हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और हमने आलू पराठा और पनीर पराठा ऑर्डर किया है, और पता नहीं कब तक आएगा आपके। हमारा आलू पराठा और पनीर पराठा आ चुका है, और हमने चाय भी रख लिया है, और ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको कैसा लगा ये देखिए गाइस, जलियांवाला बाग कितना सुंदर आर्ट है, आर्टिस्ट ने कमाल ही किया हुआ है, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं आप देख सकते हैं। इस खूनी कुआं है, इसमें लोगों ने अंग्रेजों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। लोगों ने कूड़ियों से बचने के लिए इसमें छलांग लगा दी। ये इसे खूनी कुआं कहा जाता है, इसमें लोग जान बचाने के लिए इसमें गिरे थे, और एक दोस्त पर मार फिर भी
एक दूसरे पर गिरने के कारण उनकी जो दम घुट गया और वो भी इसी में मर गया, इसलिए इसका नाम जो है खूनी कुआ। खूनी कुआ निशान उस टाइम के हैं जब अंग्रेजों ने इंडियन लोगों पर गोलियां चलाई थी, आप देख सकते हैं। सो गाइस जो आप देख सकते हैं वो व्हाइट मार्क्स हैं, उसमें आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। They would not have done so without the necessity of your firing. Continue firing for a length of time. सो गाइस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं गोलियों के निशान। ये सब गोलियों के निशान हैं। बाहर जाने फाइनली घर जा रहे हैं, थकावट बहुत हो चुकी है और हमने बहुत इन्जॉय किया, होप आपने भी किया होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।